सरप्राइज देते हैं। इस दफा जब आप फ्रांस जाएं बल्कि तो एक गमला खुद पेंट करके ना लेके चले जाएंगे लो बेगम नहीं दे सकते वही सर पे ना पाकिस्तान से जाएगा वो चेकिंग होगी और कहीं उल्टा पढ़ ना जाएगी गमला। वैसे गुस्से में कैसी लगती है वो गुस्से में जब होती है तो क्या अभी तक देखा नहीं है गुस्से छोड़ दिया। सलमान भट्ट वाली स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए हर बात का सवाल बैक फुट पे रोकती है। मैंने सलमान का भी तो खुल के बात की अरे जब रिटायर होगा तो खुल के बात करूंगा बाउंसिंग ट्रैक है ना इसलिए बैक फुट नहीं। फिर भी जब बेगम का गुस्सा होता है तो उसको हैंडल किस तरह किया जाता है? उसका बेटर यही होता है कि आप खामोश हो जाए। अच्छा आपके लिए भी यही मशवरा है। वैसे मेरे ससुर मुझे कहते हैं कि तुम खामोश क्यों हो जाते हैं। मैं कहता मेरे अंदर भी वो फायर है वो आ गए कहते नहीं। वैसे इतनी पॉलिटिक्स हम आगे पीछे करते रहते हैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स घर में भी कर ले यार तो घर अच्छा चल जाएगा। कौन सी बातें हो रही है मेरे ऐसे आपस में बात दो देखे आपस की बातें आपस में रहने क्या बात है जी। टूल्स फॉर स्कूल्स के लिए जो है एक गमला एक तैयार ओके जी। सेवन सिटीज के स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो ये काम कर रहे हैं और ये स्कूल्स क्लासरूम का सामान जो है ये जाएगा 30 फ्लड इफेक्टेड स्कूल्स में और ये सामान वहां जब जाएगा तो वहां के बच्चे बड़ा खुश होंगे क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो दबाव हो चुके हैं। मैंने खुद देखे बहुत सारे स्कूल्स जो थे वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते लेकिन बाकायदा उनकी जब बिल्डिंग खड़ी की गई है तो अंदर खाली स्कूल जो है बहुत बुरा लगता है। ये सब एक्सेल ने जो काम किया है बहुत बड़ा काम है क्या कहते हैं बहुत डिफरेंट सोच है और ऐसी सोच लानी भी चाहिए। सही है भाई साहब। इस तरह एक गमला आप भी पेंट करके लेके जा रहे हैं वहाँ पे फ्रांस फूल लगाने पड़ेंगे ना फूल लगाने पड़ेंगे गमला नेक्स्ट टाइम ले जाऊंगा है ना फ्लावर्स लेके मैं सोच रही हूँ मैं भी पेंट करूँ तुम लोग बातें करो मैं पेंट करूँ। ऐसे फूल है हमारे पास हमारे पास एक लव टेस्ट भी है जी मोहब्बत का टेस्ट जो है हम लेना चाहते हैं आपका और ये सारे टेस्ट जो है ये आप अपनी बेगम के लिए करेंगे। फिलहाल अब से कुछ देर बाद वो टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा फिर आमिर को पता लग गई ये बात आमिर पेट का हल्का तो नहीं था? नहीं आमिर नहीं आमिर तो था पेट का हल्का उसी ने सबको बता दिया भाई ये होने वाला है। नहीं था पेट का हल्का उसने कार्ड डलवाया फोन में और सबको फोन कर दिया। नहीं आमिर नहीं था इन्होंने पकड़ा भी देखिए होता ही जब आप सीनियर प्लेयर होते हैं ना तो आप सबसे जूनियर के साथ जाते हैं। कौन सा वाला जूनियर है मोहम्मद आमिर तुम हो यार चलो खाना खाने चलते हैं ये भी नया भी है यार ये हो गया सीन। वैसे मशवरा लिया था किसी से? मशवरा आई थिंक घर वालों से ही आप लेते हैं लेकिन इस मशवरे में जरूरत नहीं पड़ी। मैंने मशवरा सीधा सीधा नहीं ये था कि जब मेरी मदर गई फादर तो उनकी डेथ हो चुकी हुई है 2005 में लेकिन जब मेरी मदर गई और मेरी सिस्टर्स गई तो उनको जो था बहुत पसंद आया बल्कि जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा बहुत मिलनसार जिसको बोलते हैं वो लोग हैं तो आप लकी हो। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने कहा आप बड़ों की दुआएं हैं। तो वैसे बड़ी टेंशन वाली लाइफ है जितनी भी लाइफ अभी गुजरी है क्रिकेटर बनने के बाद लोग कहते हैं सुखी हो जाएंगे सुकून में चैन में आपकी जो पिछले 8-6 साल गुजरे हैं बड़े टेंशन वाले थे यूं और यूं और यूं और यूं जा रहे हैं कैसा लगता है ये जो लाइफ इतनी अप एंड डाउन जाती है कि ये देखिए ये मुश्किल टाइम जरूर होता है लेकिन ये है कि जब आप मुश्किल टाइम में आप होते हैं तो आप सीखते बहुत कुछ है। और इससे क्या आपने जो इस इन दो एक टाइम जो बीच में आए हैं इससे यही सीखा है कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमेशा ट्राई करता है और रिस्क जो है वो बिल्कुल रिस्क ना लें भाई आप इसी को करीब से लाइफ में कॉल है जी सैमसंग के फोन हम आपको दे रहे हैं 2 अदद सैमसंग में मगर आवाज तुम्हें बनानी है जी फिर मिलेगा ये फोन। जवेरिया हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम कैसे हो जवेरिया? बिल्कुल ठीक आप मुझे बेहद पसंद है तफरीह प्रोग्राम है जवेरिया अमेजिंग। थैंक यू सो मच जवेरिया। सुबह तो पूछते हैं एकदम अजीब सा माहौल होता है और जिसमें आपका प्रोग्राम देखता है ना तो रियली यू नो बहुत अच्छा बहुत मजा आता है आपका। थैंक यू सो मच। बस इसीलिए करते हैं ताकि थोड़ा चल भी रहे ताकि तुम लोग थोड़ा वो भी नहीं लगे यार कितनी बनावटी है मतलब मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ। स्पेशली हीरा आपका एटीट्यूड इज रियली अमेजिंग आप बहुत ऐसा लगता है घरेलू माहौल हो बिल्कुल बस घरेलू माहौल है ना जमिया भी नहीं बैठती तो घरेलू माहौल हो जाता है। जवेरिया बीवी एक साथ बैठी शो कर रही तो घरेलू माहौल हो जाता है अक्सर लड़ाई भी होती है भाई नो जोक देख के। अच्छा मुझे मोबाइल चाहिए था उसके लिए आवाज़ बनानी होगी हाँ मैं ना एक्चुअली अपनी नानी के शुएब मलिक जज है। हेलो जी बोलो ना शुएब मलिक जज है आप बोले जी मेरी परनानी है वो इस तरह से होती है उनके दांत नहीं है एक्चुअली तो उनकी आवाज़ थोड़ी सी चेंज ही होती है तो वो
हिबा बेटी कैसी हो? हिबा बेटा हफ्ती क्यों हो तुम मुझे दबा बो माँ तुम कैसी हो हिबा? ठीक हूँ दादी जान ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक बेटा, तुमने आप मुझे पान बना के नहीं खिलाया। दादी जान आपके पाप दांत है नहीं, आप पान खाएंगी तो कैसे निकलेंगी उसे बेटा? इसके बगैर गुजारा भी तो नहीं हो पाना। टैलेंट तो बहुत है भाई हमारे मुल्क में, ये बात बहुत टैलेंट है, टैलेंट है बहुत टैलेंट। हेलो जी बोले जी। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक। क्या चल रहा है अंकल? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। अच्छा और बेटा तुम्हारा बेटा कैसा है? बहुत प्यारा लगता है। गुड यार जवेरिया वेरी नाइस। ये तुम जीत गई हो और तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं दोगी। और मुझे सैयद मलिक से भी बात करने की। बिल्कुल बात करें, बात करें। अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई। अस्सलाम कैसे हैं? पहले मुझे एक बात बताएं, ये जो सेकंड वाली आवाज थी ये आपके वाकई में अंकल थे या आप थे? नहीं नहीं मैं थी, मतलब आवाज उठाने का माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है, नकली उतार के बच्चे मुझसे ना आदत हो गई है। बहुत अच्छा है ये तो तुम बात। मुझे वाइफ जो है ना बेहद पसंद है, वो सुनती है माशाल्लाह आपकी चॉइस अच्छी है। थैंक यू। और आपकी मुझे क्रिकेट में भी आप बहुत पसंद है, हम बहुत गायब हो गए हैं, जरा आए जरूर। क्या सीन है आप लोग? इजाज़ भट्ट साहब जल्दी आ जाएंगे। इजाज़ भट्ट साहब खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते प्लेयर्स को जो है इतना रगड़ा ना दें। वैसे इन पर भी कोई खैर चले, उसमें तो नहीं है वो, आप कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं अभी किसी भी के? अब आप मुबारक को वैसे जवेरिया, तुम मोबाइल फोन जीत गई हो, बहुत ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। आमीन। वो कौन से पेपर है जो आपके दानिश के मेरी कम है? दोनों के पेपर्स कहते हैं थोड़े थोड़े कम है, वो कौन से वाले रह गए भाई बता दे, मैं पूरा कर देता है। देखिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं जो समझता हूँ कि वो जरूर पूरी करनी चाहिए, जो कि मैंने की भी है, और मैं अभी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ बिल्कुल टच में हूँ, और जो जो कुछ मुझसे हो सकता है। देखें ये तो एक रूटीन वर्क है, आईसीसी ने सब क्रिकेट बोर्ड्स को कहा था कि आप अपनी इंटेग्रिटी कमेटी बनाएं और उसमें किसी भी जो आपके क्रिकेटर्स हैं उनके आप जो हैं एसेट्स चेक करें, और वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहे हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक भी मैं कर सकता हूं मैं करूंगा और कर भी रहा हूं। मैं हूं क्रिकेटर, क्रिकेट मेरा पैशन है, सही है। क्रिकेट खेलने के लिए मैं जो है भाई यही काम धंधा इनको आता है, खत्म बात। तो उसके अलावा तो कोई काम उनको आता नहीं है। उसके अलावा आपने देखा ना गमले को, कहते गमले सफाई का काम जो था, कितनी मेहनत की उन्होंने अकेले में। तो हम लेते हैं इस मौके पे कहते ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो शोएब मलिक होंगे और यहाँ पे उनका लव टेस्ट किया जाएगा, तैयार हो चुका होगा उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। जी हाँ, तो एक लव टेस्ट होगा जो कि शोएब मलिक का होगा, उसके बाद हम जो है इनसे एक अदद और टेस्ट, इनके टेस्ट बहुत सारे, इनकी जिंदगी ही टेस्ट पे मर रही है। अच्छा हाँ, ये बहुत सारे टेस्ट, और इसलिए ये टेस्ट भी थोड़ी कम ही खेले। हम लेते हैं ब्रेक, ब्रेक इतने तो होस्टिंग ही शुरू कर दें हम। हाँ थोड़ी सी होस्टिंग नहीं नहीं अभी नहीं, अभी है 6-8 साल हैं। ये अच्छा है। अभी लेते हैं हम ब्रेक। जी हाँ ब्रेक, लेकिन नोट हम है ना।